सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम सिंपल पॉपअप डायनेमिक पॉपअप अपने वेबसाइट के लिए कैसे बना सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर सिंपली हमें कोई फॉर्म है शो कराना है, या कोई कंटेंट शो कराना है, कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म शो कराना है, कोई मैसेज देना है, कोई सेल का मैसेज देना है, मल्टीपल चीज़ें जो हम शो कराना चाहें, किसी क्लिक पे शो कराना है या हमें पेज रिलोड पे शो कराना है, वो सारी चीज़ें वो हम आपको आज बताएंगे इंशाल्लाह। एक प्लगइन हम दोस्तों यूज़ करेंगे वो जिसका नाम है पॉपअप मेकर, जो काफ़ी मशहूर प्लगइन है। और अगर दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों उसको कमेंट लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो भी मिलती रहें। दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्लगइन का नाम है पॉपअप मेकर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉल किया, मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, और ये हम जैसे कि हमारा एक पेज है, ऑल पेजेस में है, अपने होम पे है दोस्तों, होम के पेज पे ये हमारे पास बिल्डर आ रहा है, और हम चाहते हैं एक बटन लें यहाँ पे। सिंपली एक बटन हमने यहाँ पे बिल्डर से ले लिया, विजुअल कंपोजर से। दोस्तों अगर आपको विजुअल कंपोजर का आइडिया नहीं है, जो दो लोग न्यू हैं अगर वो चाहते हैं कि इसको सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर इंशाल्लाह डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं डिटेल में और इसके अंदर मजीद चीज़ें करना चाहते हैं, ये डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं इससे, तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके लिए आपकी आपकी हेल्प कर सकूँ। हम लिख देते हैं क्लिक मी, और सिंपल ये बटन ले लिया हमने यहाँ पे, और ये टेक्स्ट हमने एक ले लिया और बटन दो ले लिया इस तरह। यहाँ पे एक बटन यहाँ रखा, एक बटन नीचे रखा, और उसको हमने सेव करा दी दोस्तों। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम पहले एक फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो कि फॉर्म का प्लगइन है जो हम यूज़ करते हैं, एक फॉर्म प्लगइन हम लेफ्ट डिफॉल्ट फॉर्म यूज करें, क्लिक के ऊपर हम फॉर्म ओपन कराएंगे उस पॉपअप में। अब वो कैसे कराएंगे वो अब आपको बताऊंगा। इसका प्लगइन का लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, और ये हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम डिफ़ॉल्ट फॉर्म पे आ गए, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे, जैसे कि शॉर्ट कोड आ रहा है इसका। ठीक है, सिंपली फील्ड आ रही है, ईमेल नेम सब्जेक्ट जो डिफ़ॉल्ट आती है ईमेल के अंदर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, इसका हमने आराम लग दिया माय फॉर्म, और ये सेव हो गया दोस्तों। हमने ये शॉर्ट कोड कॉपी करा दोस्तों, और हम गए पॉपअप मेकर की सेटिंग में, ऐड पॉपअप में। पहले हम इसको सेव करेंगे और फिर हम ऐड पॉप पे क्लिक करेंगे, तो ये में बोलेगा न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करो, न्यू पॉप पे ऐड करो। तो हमने लिख दिया बटन पॉपअप, सॉरी कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यही हमने नीचे रख दिया कॉन्टेक्ट फॉर्म और वेबसाइट बिल्डर दिखाना चाह रहे हैं, बिल्डर भी दिखा सकते हैं आप अपना। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बिल्डर नहीं चाह रहे, नहीं दिखाएं, कोई इशू नहीं, हम टेक्स्ट में गए, आपने शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे दोस्तों, ये कहाँ ट्रिगर कराना है हमने, ये हमें क्लिक टू ओपन हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी क्लास से भी रखना चाहें तो कर सकते हैं, स्पेसिफिक अगर करना चाहें तो यहाँ ट्रिगर करा सकते हैं, क्लिक ओपन पे हो या टाइम डिले पे हो, और स्पेसिफिक इसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं इसके इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये मजीद डीप में नहीं आ रहे, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं। होम पेज पे हम चाह रहे हैं ये होम पेज पे शो हो टारगेट, और चलें होम पेज पे सेलेक्ट कर दें दोस्तों, और हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं डिस्प्ले। हमने इसकी थीम ली, लाइट बॉक्स की थीम ले ली दोस्तों, साइज हमने इसका रख दिया 80%, और दोस्तों एनिमेशन हमने इसकी रख दी स्लाइड, और हमने रख दिया इसको मिडिल सेंटर इसकी पोजीशन और एनिमेशन, और इसको भी हम मिडिल सेंटर रख देंगे दोस्तों। एडवांस में, एडवांस हमने कोई चीज़ नहीं छड़ी,
क्लोज पे आ गए, क्लोज भी नहीं छेड़ा हमने। और ठीक है दोस्तों, अब ये हम पब्लिश करेंगे दोस्तों, तो हमें ये क्लास दे देगा और एक नाम दे देगा, जिससे मतलब हम लोग कहीं भी स्कूल से दे देंगे। ये दोनों क्लासेस दे दी, ये दोनों क्लासेस हैं, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास बिल्डर के अंदर ऑप्शन होते हैं क्लास ऐड करने का, तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, ये क्लास जाके बटन के क्लास वाले ऑप्शन में दे देंगे। सिंपली जब हम बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्म वाला पॉपअप खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने सिंपल क्लिक किया, और ये देखिए दोस्तों, हम इसको और स्टाइल अच्छा करना चाह रहे हैं तो अभी कर लेते हैं दोस्तों इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसकी डिस्प्ले में जो इसकी साइज था वो हम कर देंगे दोस्तों मीडियम। ठीक है, एनिमेशन हमने कर दिया फेड एंड स्लाइड, पोजीशन सही है, अपेयरेंस हमने रख दिया एंटरप्राइज ब्लू, और ये देखिए दोस्तों, इसकी हम विड्थ और छोटी कर देते हैं, काफी बड़ी आ रही है। ये सेव हो गया, अब हम इसको क्लिक के ऊपर, ये देखिए दोस्तों, इतना इसको मजीद स्टाइल कर सकते हैं, इसको विड 100% कर दें, स्टाइल से बटन सेंटर अलाइन कर दें, मजीद इसकी थीम्स हैं जो हम थीम्स में आप काम करके अपनी मर्जी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमने एंटरप्राइज ब्लू ली थी ऐसे के। ये देखें, हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम कौन फॉन्ट साइज बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरह अपनी मर्जी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको करना चाहें इजली। तो ये आप इजली अच्छा, मतलब विदाउट एनी कोडिंग आप इजली अच्छा एक पॉपअप बना सकते हैं, कहीं भी आपको क्लिक के ऊपर ओपन कराना है, या आपको किसी जगह टारगेट करना है स्पेसिफिक, होम पेज पे, सर्च रिजल्ट पे, तो या ट्रिगर करना है आपको, सिंपली क्लिक ओपन के ऊपर करना है। और इसके अंदर क्या ऑप्शन है दोस्तों, कंडीशंस ये लग रही हैं, ठीक है, मजीद कंडीशन दे सकते हैं, कैंड और एंड हो तो ये हो, और हो तो ये हो, तो डिजेबल करना चाहे आप मोबाइल डिवाइस पे डिजेबल भी कर सकते हैं इसको आप, और कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं क्लोज दिस, तो ये टेक्स्ट भी यहाँ से दे सकते हैं, और बटन थोड़ा डिले खुले ये भी हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड नहीं, ऑल्टरनेट मेथड नहीं चाहिए हमें दोस्तों, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं इससे क्या हो रहा है। ये टैक्स यहाँ बहुत बड़ा लिख दिया दोस्तों, इस वजह से नहीं आ रहा है दोस्तों। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।